तो आज मैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है स्टोनहेंज, पहले भी मैं वहाँ गया हुआ हूँ, तो उसका फोटो मैं इसमें इस वीडियो में डालता हूँ। सो गाइस, सनसेट देखिए आप, जस्ट सनसेट को कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ भी। दोस्तों सामने जो आपको दिख रहा है, जो पत्थर खड़े हैं, वो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर स्टोनहेंज का नाम है। और अभी मैं फिलहाल एग्जिटर से निकल गया हूँ। सो गाइस, अभी हीथरो टर्मिनल 2 पे आ गया हूँ मैं दोस्त को छोड़ने के लिए। तो देखो सुबह सुबह कितना रश है, अभी बजे सुबह के 9:30। तो फिलहाल अभी दोस्त को ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, अभी यहाँ से जाऊँगा घर की तरफ। हाय एवरीवन, तो अभी 10:25 टाइम हुआ है सुबह का। तो फिलहाल मैं घर पे पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट से, और अभी बाहर का नज़ारा देखते हैं क्या है माहौल। ग्राउंड रिपोर्ट। तो बाहर अभी धूप निकली है, विंडी नहीं है और माइनर ठंडा है, और दोस्तों ने सारा खाना कुछ खा लिया है। तो फिलहाल अभी नहाना धोना बाकी है, तो नहा लेता हूँ, कंप्लीट हो जाता हूँ, तो बाद में मिलते हैं, देखते रहिए ब्लॉग को। तो दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बजने को आए हैं, और आज 21 मार्च 2024 आज की डेट है, गुरुवार का दिन है, थर्सडे। तो फिलहाल एज यूजल अभी यहाँ पर ब्रेड डाल रहा हूँ, आज बड़े बड़े टुकड़े है तो कम दिखता है। पूरा सनी वेदर है और विंड फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, तो जैसे समर जैसी वाइब आ रही है, मान लो समर ही आ गया है। अभी पंछियों की कलरव है, चहकाट है। कभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, उसके बाद मुझे जाना था एग्जिटर कॉर्नवॉल की तरफ आता है। अभी कुछ शरण नहीं हुआ है, दोस्त का फोन आया था, भाई मुझे तू ड्रॉप कर दे, तो फिलहाल उसकी वेट कर रहा हूँ। अगर फोन आता है तो जाना पड़ेगा, वरना एज यूजल आराम करेंगे, खाएंगे पियेंगे। और अभी ये देखिए रोज प्लांट का क्या हाल है, कुछ भी डेवलपमेंट इसमें लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। फिलहाल अभी के लिए तो वेदर अच्छा है, आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ब्लॉग को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नहाने धोने के बाद मिलता हूँ। कौवा महाराज भी आए हैं आज पहली दफा।
हाय एवरीवन, तो अभी बजे 12:15 और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी पूजा पाठ भी हो गया है और मैं जा रहा हूँ अभी सतबरी। वहाँ से फिर जाऊँगा, अभी सुबह मैं आपको बताया था उसी जगह पर, वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको जो भी है वो अपडेट देता रहूँगा, तो देखते रहिए व्लॉग को। तो दोस्तों अभी सतबरी फैमिली से निकल गया हूँ, अभी फिलहाल ये है स्टेशन रोड हैरो में, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ दोस्त के घर और वहाँ से जाएंगे एग्जिटर के लिए। तो मेरे राइट में जो दिख रहा है आपको टॉम्ब जैसा वो मॉस्क है हैरो का, और लेफ्ट में सारा शॉपिंग वगैरह है। तो यहाँ रोड वर्क चल रहा है, आगे तो टेम्पररी ट्रैफिक लाइट डाली हुई है। ये जो पूरा रास्ता है उसका नाम है स्टेशन रोड। ऐसा नज़ारा है वेलकम ब्रेक का, ये पूरा जो पार्किंग है। फिलहाल भूख लगी थी तो थोड़ा बर्गर किंग का वेजी बर्गर खाऊंगा और बाद में चला जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। देखते रहिए व्लॉग को। टॉयलेट टॉयलेट जाना है, फिर ऑर्डर करना है यहाँ स्टारबक्स, स्मिथ, फ्रिज मैनेजर, सबकी शॉप वगैरह अवेलेबल है। मेरे लेफ्ट में जो है सिटिंग एरिया है, चॉपस्टिक, सबवे। चलिए दोस्तों मिलते हैं। अभी टाइम हुआ है 2:49। फिलहाल मेरा वेगन रॉयल बर्गर रेडी है। यहाँ का सर्विस का ऐसा नज़ारा है, ये इंडोर एरिया है। तो चलिए दोस्तों खाने के बाद मिलता हूँ।
फिलहाल अभी वेजी वेगन बर्गर खा लिया है, वेजी वेगन, और अभी ये लिया है कॉफ़ी। अभी एस्टिमेटेड ETA टारगेट दिखा रहा है, करीब 5:30 बजे पहुंच जाऊंगा वहां पर। तो अभी फ़िलहाल रास्ते में कॉफ़ी पीते पीते जाऊंगा। अभी जा रहा हूँ एग्जिटर की तरफ, तो फिलहाल अभी शायद 2.5 घंटे की राइड दिखा रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं वहाँ पर। फिलहाल सर्विस एरिया से निकल गया हूँ एग्जिटर जाने के लिए। बाय बाय, वेलकम ब्रेक। चलिए दोस्तों मिलते हैं एग्जिटर पे। अभी अच्छी धूप निकली है, टेम्परेचर भी 18 डिग्री है, तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, तो बढ़िया वेदर है। जो आपको दिख रहा है, जो पत्थर खड़े हैं, वो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, स्टोनेज का नाम है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट है 21 pounds पर पर्सन। अब उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ एग्जिटर की तरफ। तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टोनेज, इसका नाम है। यहाँ लाइन लगती है देखने के लिए। सो दोस्तों अभी बजा है शाम का 6 बजा है शाम का, और 13 डिग्री आज का टेम्परेचर है। और अभी मैं फिलहाल एग्जिटर से निकल गया हूँ अभी शाम के 6 बजे। तो एग्जिटर का माहौल, रास्ता और घर देख लीजिए कैसा है नज़ारा। फिलहाल अभी एग्जिटर से जा रहा हूँ लंदन, तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है 3.5 घंटे की राइड दिखा रहा है, और 170 miles डिस्टेंस है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को देखते रहिए। तो ये है लोकल एग्जिटर टाउन का नज़ारा, शाम के 6 बजे का माहौल। आप आगे जाते हो तो कॉर्नवॉल आता है, तो मेरी शॉर्ट्स में मैंने वो वीडियो डाला है कॉर्नवॉल का। काफी सारे बीचेस है वहाँ, बीचेस के लिए फेमस है कॉर्नवॉल, देवोन कॉर्नवॉल। तो मेरी शॉर्ट्स में वो वीडियो भी अवेलेबल है कॉर्नवॉल का, लस्टी ग्लेस बीच, फिर लैंड सैंड, बहुत फेमस है वो जगह यहाँ कॉर्नवॉल में। कॉर्नवॉल वर्ड से अगर सर्च करते हो मेरे चैनल पर, आपको शॉर्ट्स मिल जाएगी वहाँ पर। अभी इन फ्यूचर में अगर कॉर्नवॉल जाता हूँ तो अभी उसका वीडियो पूरा बनाऊंगा। उस टाइम खाली मैंने शॉर्ट्स वीडियो ही बनाया था, शॉर्ट्स के लिए ही वीडियो बनाया था। तो चलिए देखते रहिए व्लॉग को।
सनसेट देखिए आप, जस्ट सनसेट को कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ। गजब का नज़ारा है। गाइस व्यू देखिए, व्यू स्पेशली व्यू का सूट उतारने के लिए यहाँ खड़ा किया है। व्यू देखिए व्यू, वाओ। अभी शाम के 6:30 बजे है। 8:30 मोटरवे पे हूँ अभी। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। चलिए मिलते हैं घर पे। दोस्तों अभी बजा है 9:30 और अभी मेरा जो डिनर है रेडी है। आज का डिनर तो फिलहाल अभी मैं जस्ट एग्जिटर से यहाँ पहुँचा हूँ, तो आज का मेरा डिनर है ऊंधिया की सब्जी, पाखरी और इसमें गुड़ है और ये है खमन वाला ढोकला। तो ये नायलॉन खमन है, सॉरी खमन है, ढोकला नहीं, ये खमन है। तो गाइस अभी एग्जिटर से यहाँ पहुँचा हूँ 9:30 बजे और अभी खाना खाता हूँ और आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो आज मैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है स्टोनहेंज, पहले भी मैं वहाँ गया हुआ हूँ तो उसका फोटो मैं इसमें इस वीडियो में डालता हूँ। तो वहीं से बाईपास निकला था तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा था, तो वो जो मैं वहाँ पर गया था वो फोटो भी मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अभी मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।